हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। इसमें मैं आप लोग को डिजिटल गॉस मीटर के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल गॉस मीटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिजिटल गॉस मीटर है ये, इसके साथ एक गॉस प्रोब है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ इसको इस तरीके से। तो अभी आप लोग को जो गॉस जो मेज़र कर रहे हैं वो इसके आसपास का है। गॉस जो मेज़र हो रहा है मतलब इसके आसपास के मैग्नेटिक को मेज़र कर रहा है। तो इससे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे कॉइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करने से पहले हमें इसको ज़ीरो एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हमें जो इरर मिलते हैं उसको हम रिमूव कर सकें। तो उसके लिए हम ये हमारे पास एक नोब है, इस पर ज़ीरो एडजस्ट कर लेते हैं इस नोब की सहायता से। ये ज़ीरो हो गया। अब इसके बाद ये जो गॉस प्रोब है इसमें एन लिखा हुआ है, हम इस एन की सहायता से हम इस कॉइल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में किस साइड नॉर्थ पोल है और किस साइड साउथ पोल है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ है वो इस साइड है। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो अगर हमारा जो ये डिस्प्ले है इसमें पॉजिटिव शो हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि इस साइड नॉर्थ है और इस साइड साउथ है। हाँ, तो अभी कुछ 91 गॉस यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि हम कोई करंट अप्लाई नहीं किए हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है जिसके कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट देने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये कनेक्शन है, उसके लिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये, तो अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को करंट देने जा रहा हूँ। तो ये करंट इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 एम्पियर सेट कर देता हूँ। तो अभी मैं जो कॉइल है उसको 1 एम्पियर करंट दे रहा हूँ और ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है जो हम गॉस मीटर में देख रहे हैं। अभी गॉस मीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है 926 गॉस आ रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरीके से हम गॉस मीटर से मैग्नेटिक फील्ड मेज़र कर सकते हैं। तो इसके बाद इस गॉस मीटर में एक और चीज़ है, चलिए हम अगर इसमें ज़्यादा करंट देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को तो हमारे गॉस मीटर में क्या होता है वो देखते हैं। तो मैं ये गॉस मीटर में इधर देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं करंट दे रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रहा है इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे आउट ऑफ स्केल चला गया है, तो इसको देखने के लिए आगे की जो वैल्यू देखने के लिए है वो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो रीडिंग है वो 10 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो इस तरीके से हम गॉस मीटर से मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के कॉर्नर में आई बटन है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।